फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके हो जाने के बाद कहते हैं कि उसका जो बचाव है सिर्फ उपचार ही है। अगर वो हो जाती है, समय से उसका उपचार नहीं हो पाता है, तो आने वाले समय में बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। और कहते हैं ये भी हम लोग जो एक्सपर्ट्स यही बताते हैं, अगर ये आखिरी स्टेज पहुंच जाती है तो इसका इलाज भी पूरे विश्व में नहीं होता है। इस बीमारी से बचाने के लिए केंद्र सरकार, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। आज से अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के बारे में जो मुख्य बातें हैं, कैसे लोग उसकी बीमारी से बचें, किस तरह से लोग उसका रोकथाम करें, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ कन्नौज जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार जी मौजूद हैं यहाँ पर। सर, आज से फाइलेरिया दिवस शुरू हो रहा है, इस फाइलेरिया कैसी बीमारी है और कैसे लोग इससे बचें? देखिए, आज 10 अगस्त है। आज से उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में ये फाइलेरिया का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, बाकी जिलों में नहीं हो रहा है। ये काफ़ी समय से, कई सालों से ये जो प्रोग्राम चल रहा है, और ये साल में 2 बार चलता है। एक तो फरवरी में चलता है, 10 फरवरी को, और एक 10 अगस्त को। लेकिन ये उन जिलों में जहाँ चलता है, जहाँ पर इस तरीके से ज़्यादा केसेज मिलते हैं, जो पैर सूख जाते हैं, जैसे कहते हैं लिम्फेडोपैथी या हाइड्रोसील, उन जिलों में ज़्यादा चलता है। तो ये आज से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और ये 2 सितंबर तक चलेगा। इसमें हमारी जो है ना 1758 टीमें लगी हुई हैं, जिसमें आंगनबाड़ी और आशाएं काम करेंगी, और ये घर घर जाकर उनको दवाई खिलाएंगी। इसमें हम 2 साल से नीचे बच्चों को नहीं खिलाएंगे, जो इसकी दवा है फाइलेरिया की, 2 साल से ऊपर ही, फिर कोई भी एज ग्रुप हो, उनको हमको ये दवा खिलानी है। इसका डोज अलग अलग है, 2 साल से लेकर 5 साल तक एक गोली खिलाएंगे, फिर 5 साल से लेकर 14 साल तक 2 गोली खिलाएंगे, फिर 15 साल से लेकर ऊपर तक 3 गोली खिलाएंगे। और सबसे ज़रूरी ये है कि जो भी हमारी टीम जाएगी, घर घर जाएगी, या स्कूलों में खिलाएगी, या आंगनबाड़ी में खिलाएगी, या गवर्नमेंट कॉलेज में खिलाएगी, उनको अपने सामने दवा खिलानी है। और ये दवा खाली पेट नहीं खिलानी है, दवा हमेशा कुछ खिलाने के बाद ही खिलानी है। क्योंकि कभी कभी क्या है कि इसके साइड इफेक्ट वैसे है नहीं, लेकिन बाई चांस कभी किसी को खुजली या वोमिटिंग हो सकती है, तो उसके लिए बचाव के लिए हमको खाना खाने के बाद ये दवाई खिलानी है। जो बच्चे जो मिड डे मील बनता है, वहाँ खाने के बाद ही हम इसको दवाई को खिलाएंगे। मेन हमारा फोकस ये है कि जहाँ पर हमको मैक्सिमम बच्चे मिल सकते हैं, जैसे स्कूल है आपका, आंगनबाड़ी है, या इंटर कॉलेज है, तो वहाँ पर हम जो है ना इनको मास में देते हैं। उसके बाद में हमारी जो है ना हफ्ते में जो है 4 दिन, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 दिन हमारी टीमें घर जा खिलाएंगी। उसके बाद में 2 दिन मॉपअप राउंड रहेगा, जो छूट जाते हैं मरीज, उनको, जो व्यक्ति छूट जाते हैं, उनको हमको 2 दिन खिलानी है, शनिवार को और बुधवार को। तो इस तरह से हमारा 2 सितंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा, और ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही बेहद स्केल पर चलेगा, जिससे हमारा कोई व्यक्ति दवाई खाने से छूट जाए। क्योंकि अगर एक बार ये बीमारी अगर किसी को हो गई, तो अगर ये जो मच्छर होता है, ये गंदे पानी में रहता है, जैसे हमारा डेंगू का मच्छर होता है, वो मच्छर होता है, उसी हिसाब से ही मच्छर होता है। अगर ये मच्छर आज काटता है किसी को, तो ऐसा नहीं है कि उसको 10 दिन में, 1 महीने में, या 1 साल में उसके लक्षण निकलना है। ये कभी कभी 10 साल, 15 साल, 20 साल तक इसमें टाइम लग जाता है लक्षण आने में। तो इसलिए आदमी को ये नहीं मालूम पड़ता कि मुझे किसी ने मच्छर ने काटा है, तो हो सकता है मैं बीमार, मुझे बुखार नहीं है, वो नहीं है, तो वो समझता है अब मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अब जो सरकार ने, जो है ना गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये हर साल प्रोग्राम चलता है, जिससे कि ये बीमारी किसी भी व्यक्ति को पनपने ना पाए। अगर एक बार हो गई और ग्रेड 5, 6, 7 में चली गई, तो उसके बाद में इसका कोई इलाज नहीं है, ना कोई सर्जरी है, ना कोई इसका इलाज है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारा कन्नौज जिला है, जो हमारी 20 लाख की पॉपुलेशन है, इसमें 18 लाख लोगों को हमको ये दवाई खिलानी है, तो हम चाहते हैं 100% ये दवाई हम लोग खिला सकें। सर, देखा जाता है कि कहीं ना कहीं एक लोगों के मन के अंदर ये रहता है कि सरकारी दवाएं निःशुल्क खिलाई जा रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा यहाँ पर, तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए कुछ जागरूकता अभियान? नहीं नहीं, जहाँ तक ये दवाई का प्रश्न आपने पूछा है ना, ये दवाई सबसे सेफ है, और इससे अच्छी दवाई मार्केट में है ही नहीं। इसको हम कहते हैं DEC, डाइथल कार्बेजिन, ये 100 मिलीग्राम गोली होती है, इससे अच्छी दवाई मार्केट में है नहीं। ये गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट दवाई है, और मेरी ये राय पूरी पब्लिक को, कन्नौज पब्लिक को, कि इसको कभी भी ये शक न करें कि दवाई लोकल हो सकती है या वैसी हो सकती है, इसको तुरंत बिना किसी रुकावट के इसको खाना चाहिए हर पब्लिक को। अगर सर कोई पब्लिक ऐसी नहीं करती है, तो उनके लिए क्या समस्या खड़ी हो सकती है? हाँ, जैसे आपने पूछा, कोई पब्लिक अगर इस दवाई नहीं खाती है, दवाई नहीं खाएगी, तो हो सकता है उसको कभी दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पर जो कन्नौज जिले में हाइड्रोसिल केसेस काफ़ी हैं, और जो पैरों में सूजन आ जाती है, जैसे कहते हैं लिम्फेडोपैथी, उसके केस भी करीब 1100 केस हैं। ऐसे ही जो है ना करीब 544 केस हाइड्रोसिल के हैं। तो हमको उस चीज़ को रोकना है कि हमको ये दिक्कत आगे चल के ना हो, क्योंकि मैं अपने को मानता हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं दवाई नहीं खाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा। लेकिन ये जो भ्रांतियाँ गलत हैं, हर आदमी को ये दवाई लेनी, जिससे कि कोई दिक्कत उसको आए नहीं। कैसे पहचान होगी अगर हमें दिक्कत शुरू हो गई है? हाँ,
ऐसा कि इसकी पहचान सबसे यह कि इसका नाइट ब्लड सर्वे होता है, बाकी जो बीमारी होती है उनको खाना खाने के बाद या खाने से पहले उसका सैंपल लेते हैं, लेकिन इसका जो सर्वे होता है नाइट ब्लड सैंपल होता है, रात के टाइम ही हम इसका सैंपल लेते हैं। बताते हैं कि कभी कभी जो पेशाब के रास्ते एक तरल पदार्थ निकलता है उससे भी पहचान होती कुछ नहीं, वो उसको हम कहते हैं कायलूरिया, तो एक चिपचिपा सोल्यूशन निकलता है, लिक्विड निकलता है, उसको कायलूरिया कहते हैं, क्योंकि उससे भी जो है ना शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ सकती है, तो जो हमारी जो लिम्फ वेसल्स होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स उनमें रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से ये कायलूरिया टाइप की बीमारी बन जाती है। तो देखिए ये हमारे साथ थे कन्नौज जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और सबसे बड़ी बात यह है कि फाइलेरिया बीमारी ऐसी है जो धीरे 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 आपके शरीर में पनपती है, और एक जो पानी में मच्छर पैदा होता है उससे होती है, और ये आमून हमारे आसपास तो पानी अक्सर देखा जाता है और उसमें मच्छर पैदा होते हैं, तो ये मच्छर आपको काटते भी रहते होंगे, तो सबसे बड़ा इसका जो बचाव है आप दवा खाइए, साल में एक बार दवा उसकी खिलाई जाती है, आप दवा खाइए, और बिल्कुल अपने दिमाग पे ये चीज़ मत लेके आइए कि ये दवा कहीं नुकसानदेह होगी, क्या साइड इफेक्ट कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए पूरा स्वास्थ्य विभाग तैयार है, और इस बीमारी से बचाव सिर्फ दवा खाने से हो सकता है, तो इसलिए अभियान में शामिल होकर आप सहयोग करें और अपने शरीर को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। अभियान की शुरुआत है, जैसा कि सीएमओ साहब ने भी आपको बताया है कि आज से हमारा जो है फाइलेरिया रोग का जो है खात्मे के लिए 10 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक हम लोग का अभियान चलेगा, जिसको हम लोग MDA अभियान कहेंगे, और इसी के आज ही इनॉग्रेशन हुआ है, इसी हॉस्पिटल में सारी भीड़ जितनी इकट्ठा है यहाँ पे सभी लोगों को जो है दवा खिलाई जा रही है, जैसा बताया गया कि डाइथाइलकार्बामेथिन टैबलेट खिलानी होती है, उम्र के हिसाब से खिलानी होती है, अगर व्यस्त है तो 300 मिलीग्राम की टैबलेट उनको देनी होती है, जो कि 3 टैबलेट के फॉर्म में देनी है, साथ में एल्बेंडाजॉल जो कि कृमिनाशक है उसको भी देनी होती है। फायदा ये रहेगा कि अक्सर ये देखा जाता है कि इसका जो है फाइलेरिया जो रोग होता है इसके कीटाणु जो होते हैं जिसको हम परजीवी बोलते हैं, एक निमेटोड होता है, विक्टोरिया बैंक्रप्टाई होता है, और ये मच्छर के द्वारा जो है ये फैलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग क्रिकेट खेलते थे या फुटबॉल खेलते थे तो हमारे सर पे जो है मच्छर मंडराया करते थे, तो वो एक प्रजाति होती है प्यूलेक्स में ही ये परजीवी होता है। अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को ये काटेगा, अक्सर अमूमन ये देखा गया है कि हमारे जो रिसर्च आर्टिकल है ये पाया गया है कि ये बचपन के समय ही इस रोग के परजीवी को मच्छरों के द्वारा वहाँ पे बच्चों को चला जाता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, कभी कभी इसमें 10 साल 15 साल 20 साल भी हो जाते हैं, लेकिन जब पूरे शरीर की लिम्फेटिक डैमेज हो जाती है फिर वो स्वेलिंग सेटअप हो जाती है, इसकी 7 स्टेज पे जब पहुँचते हैं तो ये मानी बात है कि इतना उससे व्यक्ति अपंग हो जाता है, ये एक मुख्य कारण भी है अपंगता का, इससे बचाव करना है, और ये जो हमारा कैंपेन है मास रेप एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में मास लेवल पे खिलाना होता है, माइक्रो प्लान के हिसाब से खिलाना होता है, इसके लिए हमारी आशा है आंगनवाड़ी है हाउस टू हाउस विजिट करते हैं, एज पर माइक्रो प्लान के हिसाब से उनको दवा सामने खिलाएंगे देंगे नहीं, अगर ये दवा खा लेंगे तो अगर आपके शरीर में परजीवी है तो वो तुरंत मर जाता है, बहुत सेफ ड्रग है, कोई ऐसी ड्रग अगर हमारे आशा और आंगनवाड़ी के स्तर से खिलाई जा रही है तो मानी बात है कि इसके मिनिमल साइड इफेक्ट है, ट्रांजिएंट है, इसके लिए हमारी 42 रैपिड रिस्पॉन्स टीम PSC के लेवल तक के डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है, वो जाके तुरंत कोई भी अगर मान लीजिए उल्टी की है दिक्कत आ रही है या उनको जो फीवर आ रहा है तो तुरंत उनको उपचार करें, बहुत सेफ ड्रग है, और आप लोगों से यही आप लोगों से जो है थोड़ा एक आह्वान भी है कि इसको जन आंदोलन के रूप में लें, सब लोग दवा खाए, जैसे हमने अभी दवा खाया, सीएमओ साहब ने दवा खाया और आप पत्रकारबंदियों ने भी खाया है, एक मैसेज कन्वे हो जाए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।